हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग डेली इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि कवर करते हैं डेली सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में से। आज 2-3 प्रॉब्लम है जो कि रही, जिसकी वजह से ये क्लास है जो कि काफ़ी डिले भी हो गई और मुझे लगता है कि क्लास होने की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी आज हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली के अंदर सबसे पहले तो जो है वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, है ना। दूसरी बात, मैंने देखा कि क्लास ही शेड्यूल नहीं है ऑलरेडी, तो जब मैंने देखा कि क्लास ही शेड्यूल नहीं है तो फिर मैंने थोड़ी देर तो 10 मिनट जो इंटरनेट के अंदर लगाया, उसके बाद मैं देखा कि चलो ठीक है, अपन खुद ही जो है इसको करता है। तो मैंने खुद ने ही जो है वो इवेंट बनाया, मोबाइल से इंटरनेट है जो कि कनेक्ट किया और उसके बाद में एक क्लास है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज तो क्लास गई, मतलब है ना, तो काफ़ी लेट हो गया आज अपनी क्लास के अंदर। वैसे तो 7 बजे होती है, लेकिन आज 7:20 जो कि हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, मुश्किलें आती रहती है, लेकिन मुश्किलों के पार करके ही जो काम करते हैं उसी को ही बाजीगर और शाहरुख खान दोनों कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन का न्यूज़पेपर है जो कि हमें कवर करना था, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आज क्लास नहीं होती, क्योंकि 3 दिन का न्यूज़पेपर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कल के दिन की 14, 15 और कल 16 तारीख थी ना, तो हमने 15 और 16 का है जो कि न्यूज़पेपर कवर किया था कल के दिन एक साथ। अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। आज 14 और 17 2 दिन का है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू टू टेलीग्राम, एटलीस्ट है ना, टेलीग्राम की वजह से कुछ बच्चों को पता चल पाया, अदरवाइज मुझे अकेले क्लास करनी पड़ती है वाली। चलो तो 7:20 के ऊपर ये क्लास स्टार्ट हुई है और स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 24 आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया के सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। आप अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है तो आप ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको मिल रही है। आप रेफरल कोड लगा सकते हैं RK25, जिससे आपको 25% ऑफ भी है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं, इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इज अबाउट द जर्नी। तो वही आज अपनी क्लास से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि बात सिर्फ करंट अफेयर कराने की नहीं है, बात है कि जर्नी की, जो हमारी मुश्किलें आती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद भी अपन लोग क्लास करते हैं कि इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद में मोबाइल से इंटरनेट चल रहा है और होपफुली सही चलता रहे। ओके, 2 GB तो अपने काम आ जाएगा, थैंक्स टू जियो एंड थैंक्स टू मोबाइल। और ठीक है, तो इट्स अबाउट जर्नी। देखो, डेस्टिनेशन पे तो हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, किसी को नहीं पता है। ज़िंदगी के अंदर हमारी क्या डेस्टिनेशन है हमें नहीं पता, इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो उसकी बीच की जो जर्नी है ये कैसी है, कैसे लोगों के साथ में है, कितने खुशी खुशी आप इस जर्नी को जी रहे हो, आप कितने एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो ये जर्नी है ना, यही दोस्तों ज़िंदगी है। डेस्टिनेशन पर तो कई लोग पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं, कई लोग कहाँ पहुँचते हैं, है ना। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जर्नी है दोस्तों ज़िंदगी की, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही अमेजिंग होगी और आप खुद तो बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे ही, लेकिन किसी और को भी बहुत चीज़ें सिखाओगे। आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, 14 अगस्त का दोस्तों न्यूज़पेपर द हिंदू आपके सामने है, जहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों बताया गया है कि 5 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, लेकिन जिन जिन लोगों को ट्रिपल तलाक के टाइम पे जिसको इनवैलिड घोषित किया था, तो उसके बाद में उस रूल्स के फॉलो ही नहीं हुआ देश के अंदर, तो जितने भी तलाक की जो पेटिशनर थी ना, वो आज के टाइम पे हाफ डिवोर्स वाली जिंदगी है जो कि जी रही है, ना तो घर पे रह पा रही है, ना भी शादी तोड़ पा रही है, ना ही कोई दूसरी कर पा रही है, ना ही उनको कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई मेंटेनेंस के पैसे मिल रहे हैं, ना कोई एनफोर्समेंट के ऑफिसर जो है ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ रहे हैं जिन्होंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। मतलब कुल मिला के ट्रिपल तलाक जो है वो इनवैलिड घोषित तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो इम्प्लीकेशंस थे वो बिल्कुल भी नहीं हुए, उसको लेकर दोस्तों ये पूरा का पूरा फ्रंट में आर्टिकल है जो कि दे रखा है। कोलंबो ने दोस्तों क्लियर कर दिया अराइवल चाइनीज वेसल का, ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि एक साइंटिफिक रिसर्च की एक वेसल है जो कि चाइनीज हबन टोटा पोर्ट के ऊपर आने वाली थी। शुरुआत में यूएसए इंडिया दोनों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन जो है बाद में चाइना ने जो है अप्रूवल ले लिया और श्रीलंका ने अप्रूवल दे दिया, तो अभी ये वहां पर क्लियर हो चुका है अप्रूवल इसका, ठीक है। यहाँ पे रशिदी जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, जो लिवर है वो डैमेज हो गया, आईज डैमेज हो गई है, वो यहाँ पे बताया गया था। तो ये 14 तारीख का न्यूज़पेपर है, जहाँ पे दोस्तों पेज नंबर 16 की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे चाइना को लेकर, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है एक बच्चा, करंट अफेयर क्लास करने के बाद पूरा दिन एनर्जी के साथ पढ़ाई होती है, बिल्कुल सही है यार। एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, है ना, कि अगर जब मैं करंट अफेयर करवाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मेरा दिन कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज मुझे भी जो है फिर ऐसा फील होता है कि यार
पता नहीं क्या लैक है जो कि दिन के अंदर रह गया है, क्या कमी है जो कि रह गई है। तो ऐसा नहीं है आपके लिए, ये मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि लगता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार चार्जर लगा लूं। हाँ यार, iOS पे भी क्लास 24 की एप्लीकेशन नहीं है, अभी कुछ दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों किसको लेकर, यहाँ पे एक्सरसाइज को लेकर। तो चाइनीज एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली क्या है, आपको मालूम है ताइवान को घेरने के लिए दोस्तों बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली चाइनीज एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट और बॉम्बर्स जो है ना वो थाईलैंड भी भेजे हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि थाई के अंदर दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कर रहे हैं। थाई के अंदर भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कर रहे हैं। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसका नाम, क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं दूसरे देशों के साथ वो तो इंपॉर्टेंट होती होती है, कुछ दिन पहले मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती है वो किसी को पता नहीं होती कौन सी हो रही है। तो अभी अगर मैं इस वाले एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो इसका नाम है फैल्कॉन स्ट्राइक एक्सरसाइज, ये इसका नाम है, जो कि थाईलैंड में आयोजित करवाई जा रही है। थाईलैंड के अलावा चाइना और भी कई सारे एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए, और थाईलैंड के भी काफी सारे प्लेन्स हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले आपको मालूम हुआ यूएसए ने भी दोस्तों एक एक्सरसाइज है जो कि करी थी, जिसका नाम था गरुड़ा, ठीक है, गरुड़ा शील्ड इसका नाम था। एक्चुअली के अंदर देखो ये फैल्कॉन है ना, इसके अंदर तो ज्यादा कंट्रीज नहीं है, इसके अंदर तो चाइना प्लस थाईलैंड ये दो कंट्रीज ही है जो कि इसको मिलकर करवा रहे हैं, है ना, मेजरली यही है। लेकिन जो गरुड़ा शील्ड जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंटरनेशनल एक्सरसाइज थी, इसके अंदर काफी सारे कंट्रीज थे, जैसे कि यूएसए था, ऑसी यानी कि ऑस्ट्रेलिया था, इसके अलावा जापान था, सिंगापुर था, तो कई सारे कंट्रीज ने मिलकर है जो कि करी थी। तो रिसेंटली इंडो पैसिफिक रीजन में दो एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में पूछा जाएगा। 2009 से ही दोस्तों गरुड़ा शील्ड नाम की जो एक्सरसाइज है ना, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है। देखो भाई बात ऐसी है, आज जो ये जो क्लास वो बहुत ही जुगाड़ से कराई जा रही है, तो ये आप थैंक यू मान के चलिए कि क्लास हो गई, क्योंकि पहले तो 7 बजे जब मैंने इंटरनेट ऑन किया तो दो इंटरनेट लगे हुए, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहे, दोनों के रेड जो है वो जल रही है दोनों के ऊपर, क्योंकि रात को बहुत ही हैवी बारिश हुई है, पूरी रात भर बारिश हुई है, तो शायद कोई वायर के अंदर प्रॉब्लम हो गई होगी। फिर उसके बाद मैंने देखा तो इवेंट भी बना हुआ नहीं था, है ना, फिर मेरे को लगा इवेंट भी नहीं बना हुआ, आज ऐसा कौन सा दिन है जो कि मैं भी जयपुर में हूँ कि आज इवेंट ही बना हुआ नहीं है। तो मैंने अभी इवेंट बनाया तुरंत, उसके बाद मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया, अब मोबाइल से चल रहा है, अब जब तक चलेगा जब तक चलेगा, ठीक है, दुआ करो कि चलता रहे। देखो हम लोग भी दोस्तों बहुत देशों के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ना, एक डिफेंस का डाटा है जो कि मेरे हाथ लगा है, तो ये हमने अभी मैंने आपको बताया। तो आप देखिए हम लोग है ना इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया के साथ में 2012 के बाद से बहुत सारी कर रहे हैं, ये जो देश आपको नजर आ रहे हैं ना इनके साथ में हम लोग मेजरली जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि यूएसए है, ब्राजील है, ये आपके यूरोपियन कंट्री हो गए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, ये आपके ओमान हो गया, यूएई हो गया गल्फ के अंदर, है ना, फिर ये रशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, जापान, और ये आपका एशियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सबके साथ में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि दुनिया में करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना की इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 के अंदर, मतलब 2016 के बाद से कुछ इसी तरीके का सेम पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे देशों के साथ, रशिया के साथ इन्होंने मैक्सिमम मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट करी, पाकिस्तान के साथ में करी, ओके। तो अगर आप शेयर देखोगे तो इसमें मैक्सिमम इन्होंने नेवी की जो है ज्यादा ये लोग करते हैं, उसके बाद में आर्मी, उसके बाद में एयरफोर्स, तो इनकी नेवी जो है वो काफी स्ट्रांग फोर्स मानी जाती है। हमारी बात करें तो हमने 2005 के बाद से दोस्तों काफी नंबर बढ़ा दिया था मिलिट्री एक्सरसाइज का, आप देख सकते हो, है ना, 2005 के बाद में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज का स्लॉट जो है बहुत बढ़ा दिया था। 2012 तक देखोगे तो काफी ऊपर गया, उसके बाद कुछ साल जो है बराबर रहा, 15 के बाद में फिर वापस से ऊपर की तरफ है जो कि ये जा रहा है। इसी प्रकार से जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज के अंदर देखोगे तो हम लोग कई देशों के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करते हैं 2012 के बाद में, 2012 से 16 के बीच में दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे कंट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें आपका इंडोनेशिया देखो 7 है, यूके 7 है, सिंगापुर के साथ 12, रशिया के साथ में 10 है, यूएसए के साथ में 12 है ना, तो काफी मेजर शेयर है जो कि बड़े कंट्रीज के साथ में हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो एशिया के साथ में 55% है, अमेरिका के साथ में 15%, यूरोप के साथ में 22%,
इंडियन आर्मी ज्यादा एक्सरसाइज करती है कवर कंपैरेटिवली नेवी और एयरफोर्स के। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो श्रीलंका ने यहाँ पे आप देख सकते हो यू टर्न मार दिया, पहले तो मना कर दिया था चाइनीज शिप को और पाकिस्तानी शिप को, बाद में हमारे देश के अंदर इस बात को लेकर 1000 यूट्यूब पे वीडियो भी बन गए थे कि देखो मना कर दिया मना कर दिया, और उसके बाद में पता नहीं क्या उसने यूट्यूब पे वीडियो देख ली गए इतने सारे लोगों के श्रीलंका ने कि भाई सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं सब लोग तारीफ कर रहे हैं धमाधम यूट्यूब पे वीडियो जा रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज हो रहे हैं, तुरंत जो है लंका ने क्या कर दिया यूटर्न ले लिया और चाइनीज शिप को जो है वो अलाउ कर दिया। ओके और देखो एक्चुअली के अंदर हमारा कंसर्न जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब अगर कोई चाइनीज की अगर कोई इस तरीके की सर्विलियंस शिप आती है और हमारे से हमारे वाले पोर्ट से मात्र 150-200 किलोमीटर के दूरी के ऊपर तक इसकी कैपेसिटी है तो हमारे लिए डेफिनेटली कंसर्न है, मतलब समझ रहे हो। हालांकि आज की दुनिया में कोई भी कंट्री जो है वो किसी के बारे में नहीं सुनता किसी की नहीं मानता, ये भी रियलिटी है। बफर आ गया क्या? बफरिंग हो रही है, आवाज चल रही है, सही है क्या सब कुछ? हमारा कंसर्न जो है बफरिंग का चल रही है, सही तो है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आवाज आवाज आ रही है क्या? परफेक्ट है क्या सब कुछ? मेरे फोन में तो सही चल रहा है एकदम। चलो ठीक है आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसर्न तो दिया लेकिन वही वाली बात है कि चाइनीज का ये कहना है कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो सर्विलियंस शिप है जो कि हम लोग लेके आए, मरीन सर्विलियंस शिप है ना वो जो कि है, तो हम लोग इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसका जो नाम भी आपको ध्यान रखिएगा युआन इसका नाम है, युआन वैंग 5 इसका नाम है। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन है जो कि नहीं होना चाहिए नहीं बनना चाहिए लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि तालिबान का भी जो इंडिपेंडेंस डे वो भी 15 अगस्त को है, तो ये लोग भी जो है वो पार्टी कर रहे थे 15 अगस्त को, जैसा कि इन्होंने वादे किए थे कि इंडिपेंडेंस मिलेगी फ्रीडम मिलेगी लिबर्टी मिलेगी, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने इनके इनको सत्ता मिलने के बाद में बोला था कि ये स्टार्टिंग में ऐसे नाटक कर रहे हैं, बाकी ये नाटक कर रहे हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए, बाकी अंदर से ऐसे है ही नहीं। तो जो आदमी अंदर से जैसा होता नहीं है वो कर भी नहीं पाता ज्यादा टाइम तक लॉन्गर टाइम तक, समझ गए। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया था कि वुमेन को राइट्स है जो कि कुछ मिले नहीं है, अभी भी टॉर्चर उसी तरीके से है स्टडीज के अंदर सब जगहों पे, वही सेम समस्या है जो कि देखने को मिल रही है। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी दोस्तों हाँ बोल दिया कि इंडिया के अंदर जो SCO की एक्सरसाइज होने वाली है उसके अंदर ज्वाइन करने को लेकर। हालांकि आपको मालूम है इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के है ना एक दूसरे के कंट्री के अंदर किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे बोला है कि काउंटर टेररिज्म ड्रिल जो कि इंडिया होस्ट करेगा SCO के अंडर में अक्टूबर के अंदर है ना, वो ये लोग ज्वाइन है जो कि करने वाले हैं। एक्चुअली के अंदर स्टार्टिंग में बोलते हैं ये लोग लास्ट में बैकआउट कर लेते हैं। तो SCO की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है उसके रेड्स जिसको कहते हैं इसी के अंडर एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जाती है। ओके इसको बोलते हैं टोटल SCO रेड्स है जो कि इसको नाम दिया जाता है, अक्टूबर में करवाया जाएगा और भी हमारे बाकी कंट्रीज जैसे कि रशिया ठीक है और रशिया हो गया चाइना पाकिस्तान ईरान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सारे कंट्रीज है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए सारे के सारे SCO कंट्रीज है ना, और ये जो आपको डार्क ग्रीन में नजर आ रहे हैं ये आपके ऑब्जर्वर्स है ओके और ये डायलॉग पार्टनर्स है। तो 2001 के अंदर ये इसका फॉर्मेशन हुआ, बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और रेड्स का जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। 8 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर, रिसेंटली जो आपका ईरान है ना इसने भी इसके मेंबरशिप के अंदर अलाउ किया, इनको भी अलाउ कर दिया है बेलारूस और ईरान को भी, लेकिन पहले अभी तक ये ऑब्जर्वर थे। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी कई सारे कंट्रीज हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के दैनिक युग में, बात करते हैं 14 तारीख के दैनिक युग के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था है ना, और ठीक है दैनिक युग के बारे में बात करें 17 अगस्त है आज डेट। तो सबसे पहले आपने दोस्तों फीफा ने सस्पेंड कर दिया एक और इंडिया की फुटबॉल बॉडी को और कई सारी दोस्तों बॉडीज है जो कि आज के टाइम पे सस्पेंड हो चुकी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो ऐसा क्यों हुआ है क्या इसका कारण है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पे 31 मिनिस्टर को इंडक्ट किया गया नए कैबिनेट में, कश्मीरी पंडित को दोस्तों वापस से मिलिटेंट के द्वारा गोली मार दी गई और अभी भी दोस्तों कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक्स है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
और ये चीज़ को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा गुजरात के अंदर 2002 के अंदर एक राइट्स हुए थे, जहाँ पे एक परिवार के, बिल्किस के परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, उसकी बेटी को मार दिया गया, एक के साथ में गैंग रेप किया गया, तो उनके जो कन्विक्ट है ना उनको छोड़ दिया गया दोस्तों 14 साल के बाद में। ओके, और गुजरात के अंदर ओल्ड पॉलिसी है जो कि उसके अकॉर्डिंगली इनको छोड़ा गया है 14 साल की सजा के बाद में। हालांकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉज अगर कोई इस तरीके की बहुत ही हीनियस क्राइम कर रहा है तो 14 साल के बाद में भी उसको रखा जा सकता है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे अफ्रीका को लेकर। अफ्रीका चीता जो है वो दोस्तों अटक गए, 15 अगस्त को आने के वाले थे, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अभी वो अटक गए, अभी नहीं आए। यहाँ पे जो फोटो नजर आ रही है ये इनको ट्रांसलोकेट किया गया है ताकि इंडिया के अंदर इनको लेके आ सके, इनकी मेडिकल चेकअप जो कि अभी रिसेंटली हो रहा है, समझ गए। तो ये आपका फ्रंट पेज है यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले अफ्रीकन चीता के बारे में बात करेंगे। अफ्रीकन चीता दोस्तों आप सभी को मालूम होगा हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हम लोग अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाना चाहते हैं। कौन सी सेंचुरी के अंदर है? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो फॉरेस्ट रिजर्व है वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे हम इसको लेके आना चाहते हैं। कौन कौन से कंट्री से लेके आ रहे हैं? एक तो साउथ अफ्रीका से प्लस नामीबिया से, ठीक है, ये दो कंट्रीज है जो कि लेके आ रहे हैं हम लोग। 1952 के अंदर हमारे देश से दोस्तों ये एक्सटेंट है जो कि हो गए थे, और अभी 10 से 12 ऐसे यंग है ना चीता है जो कि हम लोग लेके आ रहे हैं। हमें टोटल मिला के जो है वो 35 के आसपास है जो कि चाहिए अगर हमें यहाँ पे हैबिटेट को इम्प्रोवाइज करना है तो, ठीक है गाइस। तो काफी टाइम से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्शन के कारण क्या था। एक तो लोग हंट बहुत क्या करते थे, इनके हैबिटेट लॉस हो गए, क्योंकि इनको क्या होता है कि ग्रासलैंड चाहिए होते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाते तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। इनके पास में इनके जो शिकार थे वो कम हो गए थे, उसके वजह से 1952 आते आते जो है ये कैट्स हमारे देश से गायब हो गए थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी कारण रहा, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ी, ये भी कुछ कारण है जो कि हमारे देश में रहे। हमने दोस्तों वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर जो है 8 से 12 चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोस्तवाना, 3 कंट्रीज से हमने बात करी, दोस्तों फाइनलाइज हो गया और हमने दोस्तों इनको इंट्रोड्यूस किया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन एनिमल की जो है इन्हीं कंट्रीज के अंदर चीता की देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका हैबिटेट, इनका प्रे, ये सब जो है वो काफ़ी रेलिवेंट बताया गया। IUCN के स्टेटस की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अफ्रीकन और एक एशियन चीता। अफ्रीकन वल्नरेबल में है, एशियाटिक वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि एशियन वाले तो जाने वाले हैं दुनिया से। दोनों अपेंडिक्स 1 में है। अफ्रीकन चीता देखिए 7,000 है दुनिया में, ये सिर्फ 40 और 50 बचे हैं एशियाटिक चीता, और ये भी ईरान के अंदर ही बचे हैं। थोड़े बड़े साइज में होते हैं अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता थोड़े छोटे होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं, लॉन्गर नेक होती है, रेड आइज होती है ना, कैट लाइक अपीयरेंस जो थोड़ी बहुत इनकी ज्यादा होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़े लाइट कलर के होते हैं, ये थोड़े डार्क कलर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें पेज नंबर 9 की, यहाँ पर जो चर्चा करी गई है वो यहाँ पे राज्यों के बीच में करी गई है कि पिछले 20-30 सालों से कौन से राज्य ने एग्रीकल्चर के अंदर प्रोटेक्शन में आगे बढ़ा, कौन सा राज्य पीछे गया, इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया है, ठीक है गाइस। टोटल फूड ग्रेन प्रोटेक्शन अगर आपसे पूछे कि फूड ग्रेन प्रोटेक्शन में कौन आगे है, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब और हरियाणा, ओके। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है गाइस। और अगर नॉन फूड ग्रेन्स के बारे में बात करें, जैसे कि आपके ऑयल सीड्स हो गए, कॉटन हो गए, शुगर केन हो गए, तो इसके अंदर फिर आपके उत्तर प्रदेश और बाकी वेस्टर्न और सदर्न स्टेट है जो कि डोमिनेट करते हैं, है ना। तो इसी डाटा के अंदर देखिए यही बताया गया कि 1990-91 में है ना जो एरिया था जिसपे आप उगाया करते थे, तो उसमें MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पास में मैक्सिमम एरिया था। लेकिन अगर 17-18 तक अगर हम लोग 20-30 साल आगे जाएं तो आज के टाइम पे दोस्तों मध्य प्रदेश आज भी आगे है, UP और राजस्थान दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, तो महाराष्ट्र यानी कि पीछे हो चुका है। टोटल एरिया की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ नॉन फूड ग्रेन के बारे में बात करें, तो एक जमाने में दोस्तों यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु हुआ करते थे। आज भी दोस्तों यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु यही राज्य है, तो यहाँ पर दोस्तों सेम आपको नॉन फूड ग्रेन में देखने को मिलेंगे। फूड ग्रेन की बात करें तो देखिए पहले दोस्तों यूपी सबसे आगे था, उसके बाद पंजाब और MP था। आज के टाइम पे फूड ग्रेन के अंदर MP, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब राज्य है जो कि आगे आ गए हैं। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का नंबर काफ़ी बढ़िया है
है ना, तो फूड ग्रेन के अंदर ये पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो पहले भी पंजाब हरियाणा थे और आज भी पंजाब हरियाणा ही है। तो मेजरली जो है 20-30 साल पहले जो राज्य जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति के अंदर है जो कि देखने को मिल रहे हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 14 में बात करेंगे दोस्तों पालन योजना के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे मिनिस्टर साहब के द्वारा बताया गया कि भाई 2014 के अंदर 45 बच्चों की मौत हो जाया करती थी 1000 लाइव बर्थ के ऊपर, 1000 लाइव बर्थ है जो कि हुआ करते थे, समझ गए। अब ये गिर के 35 है जो कि हो चुके हैं। अगर मैं 2019 आते आते बात करूं तो स्टेट, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है भारती प्रवीण पवार, उनके द्वारा जानकारी दी गई और उन्होंने एक वर्चुअल हेल्पलाइन है जो कि लॉन्च करी जिसका नाम है पालन 1000। ये क्या काम आएगी दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जो कि पेरेंट्स के काम आएगी कि कैसे शुरुआत के 2 साल में बच्चे का ध्यान रखना है, समझ गए। ऐप में प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाएगी कैसे बच्चों का ध्यान रखना है, क्या करना है, एवरीडे रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे डाउट सॉल्व करने हैं। तो अगर कोई आपके डाउट है तो प्रेगनेंसी से संबंधित, महिला के न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, है ना, शुरुआत के जो 1000 दिन होते हैं ना, शुरुआत के जो 2 साल होते हैं उसके अंदर चाइल्ड केयर के बारे में कुल मिला के यहाँ पे बात करी गई है। मेंटल फिजिकल इमोशनल पूरी हेल्प है जो कि देने के लिए पालन 1000 है, 1000 का मतलब 1000 दिन। ये नई ऐप है जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई, समझ गए मेरी बात। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो उसी मंत्रालय के अंदर ये काम है जो कि आएगा, ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों WCT मंत्रालय ने कुछ टाइम पहले 1098 को मर्ज कर दिया था 112 के साथ में, ओके, चाइल्ड हेल्पलाइन को, और 24/7 इमरजेंसी सेवा है जो कि अवेलेबल करवाने के लिए बोला था। वर्ल्ड की बिगेस्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो कि बच्चों के लिए भेजी गई, 50 लाख कॉल है जो कि साल में इसमें आने लगे। इसके अलावा मिशन वात्सल्य भी लॉन्च किया गया था, वात्सल्य के अंदर भी बच्चों के इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 दी गई होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें उनको हेल्प है, पुलिस हेल्थ, वुमेन सेफ्टी, कोई भी हेल्प है जो कि अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य तो WCD मंत्रालय के द्वारा बच्चे और महिलाएं दोनों के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया था, 24/7 हेल्पलाइन नंबर है जो कि लॉन्च किया गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रंट पेज है वो है स्पोर्ट्स टर्बुलेंस को लेकर। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा जो है ना, कई सारी हमारी नेशनल बॉडीज को आज के टाइम पे सस्पेंड है जो कि कर दिया गया। कारण क्या है दोस्तों, कारण ये है कि जो नेशनल बॉडीज है वो प्रॉपर तरीके से गवर्न नहीं कर पा रही है, उनके गवर्नेंस इश्यूज है, और उसके वजह से कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होता है और वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव है जो कि लगा देता है। अब ये जो हमारे कोर्ट जो हमारी बॉडीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लगा रहे हैं, जस्ट क्योंकि हमारी नेशनल बॉडीज ना तो प्रॉपर इलेक्शन करवा पा रही है, ना वहाँ पे प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर आज तक एक भी महिला जो है वो हेड नहीं बनी है। तो जो इंटरनेशनल बॉडीज की जो नॉर्म्स है ना, उसके बिल्कुल भी जो है वो पैरेलल नहीं चल पा रही है। इसीलिए बहुत सारी दोस्तों हमारी बॉडीज है जो कि आज के टाइम पे सस्पेंड हो गई है, जिसके अंदर आपका फुटबॉल है, आपका हॉकी भी है, और साथ में सबसे बड़ी बॉडी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये भी सस्पेंड हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी रिसेंटली जो है ना वो फीफा ने दोस्तों हमारे इंटरनेशनल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है ना। और प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चला कौन रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर वाले लोग, इनको फुटबॉल के लोग चला ही नहीं रहे थे, इनको पता है कौन चला रहा था, COA है जो कि चला रहे थे। COA क्या है, ये कमिटी है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चला रही थी, है ना। काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम्स है जो कि देखने को मिल रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ना तो बॉडीज चला पा रही है नेशनल, ना इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, कोर्ट को भी मजबूरी है कि कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। तो तीनों ही जो है ना वो बिखरी पड़ी है अभी आज के टाइम में। तो इस वजह से कई सारी बॉडीज जो कि सस्पेंड हो गई, ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले थे वो सारे के सारे सस्पेंड है जो कि हो जाएंगे। क्योंकि अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने की बात चल रही थी, उसके ऊपर अनसर्टेनिटी हो गई क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हॉकी की बॉडी को भी सस्पेंड कर दिया। अंडर 18 का फुटबॉल फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके ऊपर भी सस्पेंड हो गया। इंटरनेशनल ओलंपिक जो हमारी कमिटी है, इसके जो अपने जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनली नहीं खेल पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो फीफा ने सिर्फ कुल मिला के यहाँ पे ये बोला है कि इंटरफेरेंस जो थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सस्पेंड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाई थी जो डे टू डे अफेयर जो है ना फुटबॉल के देखा करती थी, इसकी वजह से फुटबॉल को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोस्तों एक COA है जो कि बनाया था, जो कि इंटरनेशनल अपने ओलंपिक कमेटी को चलाएगा।
तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IOC ने पहले बोला भी था कि हम सस्पेंड कर देंगे IOA को अगर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हुआ तो इलेक्शन के अंदर बाकी चीजों में, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सुना ही नहीं तो उनको भी सस्पेंशन देखने को मिला, समझ रहे हो। तो ये फिफ्थ बॉडी है आज के टाइम पे, मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि ये फिफ्थ बॉडी है जो कि सस्पेंड हुई है। इससे पहले फुटबॉल हॉकी के अलावा अगर आप देखोगे तो एक जूडो में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, TT में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, और अब तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर है जो कि तलवार अटक गई है। तो यहाँ पर यही जानकारी है जो कि पूरी दी गई है, आप देख सकते हैं AIFF और IOA इन दोनों का ये सस्पेंशन तब आया जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसका डेलीगेशन दिल्ली में आया हुआ है, गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहा है। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड कप भी होने वाला है भुवनेश्वर रौरकेला 2023 के अंदर, इसके अलावा हमारे फुटबॉल के भी टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो हमारे लिए दोस्तों बहुत ही डिजास्ट्रस है अगर ये टूर्नामेंट हम लोग नहीं करवा पाए तो, क्योंकि स्पोर्ट्स तभी आगे बढ़ेगा तब बोर्ड जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो समझ गए, अगर बोर्ड के अच्छे तरीके से फेयर इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तब एक बॉडी है जो कि चलती है। ये सारे के सारे नॉर्म्स हमारे यहाँ पे साइडलाइन है जो कि कर दिए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से पूरा मामला है जो कि बिगड़ा है। अभी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होता क्या है, ओके, तो यहाँ पे देखिए फीफा के द्वारा बोला गया कि इंडियन फुटबॉल जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये कोई प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और आपके साथ में इमिनेंट प्लेयर्स को कंबाइन करके कोई बॉडी है जो कि चला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को भी दोस्तों हटा दिया था कुछ टाइम पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अपने 12 साल तक दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड बने रहे, समझ रहे हो मेरी बात। और इलेक्शन पता है इस वजह से नहीं हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है जो कि पेंडिंग पड़ा था, तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट है जो कि हो गई है। यहाँ पर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी सबमिट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें यहाँ पे एक इलेक्शन करवाना है जिसमें 36 स्टेट एसोसिएशन, 36 इमिनेंट फुटबॉलर प्लेयर्स ये सब सेलेक्ट किए जाएंगे, 24 मेल 12 फीमेल है ना, और इसमें 25% इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा जो है वो प्लेयर्स को भी यहाँ पे कमिटी में रखा जाता है, तो वो नॉर्म्स भी फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी जो कि यहाँ पे दी गई है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एंड ऑफ द डे एक गवर्नेंस ऐसा इशू है जिसकी वजह से ना तो नेशनल बॉडी चल पा रही है, और नेशनल बॉडी जब नहीं चल पा रही तो कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है, और कोर्ट के इंटरफेरेंस करने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि सस्पेंशन का बन गया है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि है, ठीक है, वो है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में पता है क्या हो गया, स्कॉटलैंड दोस्तों दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जो कि जिम में, लाइब्रेरी में, स्विमिंग पूल में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, हर जगह पे, स्कूल, कॉलेज, लेजिस्लेशन, हर जगह पे दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्री पीरियड्स के प्रोडक्ट है जो कि मिलेंगे। तो फ्री पीरियड के जो प्रोडक्ट्स है वो कम्प्लीटली फ्री कर दिए गए स्कॉटलैंड के अंदर हर एक जगह पे जहाँ पर जनता देखने को मिलती है। फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स है जो कि देखने को मिल रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया है कि देखो हम चाहते हैं कि दुनिया में हम लोग पहले तो बने लेकिन लास्ट नहीं बने। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों ये इक्वालिटी और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक महिला को फ्री पीरियड प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल करवाए, और ये उसके फंडामेंटल राइट है। मोनिका एक लॉ मेकर है, उन्होंने ये 2020 के अंदर सबमिट करी थी रिपोर्ट जिसमें बोला था कि हम लोग फर्स्ट बट वोंट बी द लास्ट कंट्री जो है वो बनना चाहते हैं जो कि फ्री पीरियड प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। काफ़ी मैसिव कल्चरल चेंज है जो कि देखने को मिला। पहले तो स्कूल कॉलेजेस में फ्री था लेकिन अब इन्होंने हर जगह पे फ्री है जो कि कर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ के ये तो बहुत अमीर लोग हैं स्कॉटलैंड के, इनको क्या ज़रूरत है। देखो स्कॉटलैंड महंगा भी बहुत है, समझ लो इंग्लैंड जो है दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में से है, और मतलब पूरा UK इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड मतलब काफ़ी महंगा है। मतलब एक बार भी अगर किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर विनर करोगे ना, लंच करोगे, तो 3-4-5 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे बहुत ही आसानी से। दो लोगों के लंच के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ, ओके। टैक्सी करोगे बहुत महंगी है, मतलब यहाँ का एक ऑर्डिनरी टैक्सी वाला भी जो है वो 6-8 लाख रुपए पर मंथ है जो कि कमाता है, मतलब बहुत ही कम टैक्सीज है। मतलब क्योंकि अभी जब मैं कुछ टाइम पहले स्कॉटलैंड गया था तब मैंने देखा था मतलब कि टैक्सीज थोड़ी कम थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला देखो हमारे यहाँ के जो लोग अब चिल कर रहे हैं, कोविड के बाद में सबको समझ में आ गया है कि देखो इतना काम नहीं करना है, मतलब चिल करना है जिंदगी के अंदर, तो उन्होंने काम वाम छोड़ दिया, तो कम हो गए स्कॉटलैंड में टैक्सी ड्राइवर और उनकी डिमांड बढ़ गई। तो आज के टाइम पे सिर्फ 5 दिन काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, है ना, 8 घंटे काम करते हैं और उसके अंदर 6-8 लाख रुपए कमा रहे हैं। मुझे लगा यार हम लोग इंडिया में कर क्या रहे हैं ये सब यहाँ पे 5-8 हज़ार रुपए के लिए हमारे देश में माता पूरी का हो रखी है, यहाँ पे लोग 6-8 लाख रुपए कमा के चिल भी कर रहे हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं कि उनकी जगह और उनको स्कॉटलैंड गवर्नमेंट दे रही है बढ़िया,
वैसे वैसे तो है ना, बूढ़े लोगों को तो बढ़िया चिल कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली के अंदर क्या होता है, स्कॉटलैंड में भी काफ़ी आज के टाइम पे आपको अफ्रीकन्स और एशियन कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ये पीरियड्स के जो प्रोडक्ट है ना, काफ़ी महंगे होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे काफ़ी महंगी है, क्योंकि उनका पर कैपिटल इनकम भी महंगा है, ज़्यादा है, बड़ा है। लेकिन जब एशियन और अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके लिए इशू आ जाता है। तो उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी था ये कि इस चीज़ को फ्री करना, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज़ें जो कि यहाँ पर करी गई है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। रिसेंटली दोस्तों हमारे सीजीआई के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर फोकस किया गया, और ये बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट सिर्फ पेंडेमिक या फिर कोई टेक्निकल पर्पस की वजह से नहीं करना चाहिए, हमारे देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स बहुत ही जरूरी है, समझ गए। फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही जरूरी है। राइट्स तो क्या जरूरी है ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया आया था दोस्तों, वो रशिया से आया था, आप सभी को मालूम ही है। हमने पार्ट फोर्थ के ए में इनको इंक्लूड किया हुआ है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से हमने इंक्लूड किया था, सुवर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से। ओरिजिनली दोस्तों 10 थे ये फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 11वीं हमने एड ऑन करी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 RTE के तहत। फिर 11 ड्यूटीज आज के टाइम पे हमारे आर्टिकल 51A के अंदर इंक्लूड है ना। और जैसे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नॉन जुडिशियबल जस्टिशियबल है, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी दोस्तों जस्टिशियबल नॉन जस्टिशियबल है, जो कि देखने को मिलती है नेचर में। आप देख सकते हो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस का रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग का, एंथम का, है ना। देखो सिर्फ झंडा उठाने से जो है वो देशभक्ति नहीं आती है, समझ गए। आज के टाइम पे अगर आप जो लोग ऐसे ना जो कि बस झंडा लेके घूमते रहते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को रोड पे निकल जाते हैं, है ना, घर पे झंडा लगा लिया, ये कर लिया, ये देशभक्ति नहीं होती है, ये फर्जी देशभक्ति है जो कि मैक्सिमम जनता दिखाती है ना। देश की रियल देश में अगर आपको सच में देशभक्ति है और देश के लिए कुछ करना है, तो जरूरी होता है कि आप फंडामेंटल राइट्स लोगों का भी दो, खुद का भी ध्यान रखो, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ध्यान रखो, है ना। नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का ही ध्यान नहीं रखना है हमें दोस्तों, इंस्पायर हमारे जो नेशनल स्ट्रगल जिन लोगों ने किया है उनकी इज्जत करनी है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है, सोवरेनिटी को, यूनिटी का ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, देश की सेवा के अंदर हमेशा जरूरत पड़ने के ऊपर काम करना है, है ना, सोशल सर्विस करनी है देश के अंदर, बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके, भाईचारे की भावना हार्मनी जो है वो देश में मेंटेन रखनी है। अरे भाई मेरे देश के अंदर अगर मैं यूनिटी का ध्यान नहीं रखूंगा, मैं अगर मान लो अगर मैं सभी संप्रदाय का धर्मों की रेस्पेक्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मेरे देश में सबसे जरूरी है कि हम लोगों को जो है वो हमारे देश में हार्मनी बना के रखनी है, यूनिटी बना के रखनी है, उसको देशभक्ति है जो कि कहते हैं। हम लोग क्या करना है, हमें रिलीजन लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटीज को जो है वो फ्लॉरिश करना है, ना कि उनको सप्रेस करना है। हमारे रिच हेरिटेज को जो है वो बचा के रखना है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, समझ गए। हमारे साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाना है, बच्चों को ह्यूमनिज्म सिखाना है ना, साइंटिफिक टेम्पर को जो है वो प्रमोट करना है, इसको देशभक्ति है जो कि कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि बस झंडा लेके मोटरसाइकिल के ऊपर बस इधर उधर चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अगर मैं जनरली उनको ये बोल दूँ ना कि एक काम करो, चलो देशभक्ति हिंदी या इंग्लिश में लिख के दे दो, तो मैं बता रहा हूँ उसमें से 90% लोग लिख भी नहीं पाएंगे कि देशभक्ति लिखते कैसे हैं। लेकिन बस वही है कि शाम में पौवे का जुगाड़ करना है, तो बस पॉलिटिकल पार्टी ने हल्ला मचा दिया है, जनता लगी पड़ी है। लेकिन जनरली उम्मीद ये की जाती है कि आपकी देशभक्ति जो है वो देश के डेवलपमेंट पे है, लोगों के डेवलपमेंट से लोगों के देश आगे बढ़ता है, और वही देशभक्ति कहलाती है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फंडामेंटल, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, वायलेंस को दूर रखना, है ना, अपॉर्चुनिटी देना हर बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो ये सारे के सारे चीजें आपको ध्यान रखती है। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज की, एक तो हमारे डेमोक्रेटिक कंडक्ट को हमेशा ये रिमाइंड करवाते रहते हैं, ओके। एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है ये हमें वार्न करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्लैग बर्न कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और उनको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट जो है ये होना बहुत जरूरी है, और हमारे लॉ के हिसाब से दोस्तों चीजें देश में चले ये बहुत जरूरी है, ठीक है। गाइस सुप्रीम कोर्ट ने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो कई बार बोल चुके हैं कि अगर फंडामेंटल राइट जरूरी है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है गाइस। और लीगल सैंक्शन के हिसाब से इसको एनफोर्स भले नहीं किया जाए, लेकिन सोशल सैंक्शन के हिसाब से तो इसको एनफोर्स किया जा सकता है। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला था कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स। ओके, हम लोग पार्ट फोर को जो है वो ओवरलुक नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि हम लोग पार्ट थ्री का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक के टाइम पे इसका ध्यान नहीं रखना है, हमें इनको जनरली भी इम्प्लीमेंट करना है, ये कोर्ट का कहना था, ये हमारे सीजीआई का कहना था। आगे बात करते हैं कंजर्विंग इंडियन कोस्टल इकोसिस्टम। देखो बात ऐसी है कि कैग ने जो एक रिपोर्ट भेजी है अभी, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये बोला है कि है ना कि हमें स्टेप्स है जो कि लेने चाहिए ताकि हम लोग हमारे कोस्टल इकोसिस्टम को सक्सेसफुली ध्यान रख सके, समझ गए मेरी बात। और जो अभी तक हमने स्टेप लिए हैं वो कितने सक्सेसफुल है जो कि हुए हैं, ये इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है जो कि बोला गया। पिछले 5 सालों की ऑडिट है जो कि इसके अंदर करी गई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी कोस्टल बॉडीज का, हमारे कोस्टल एरिया का जो है वो ध्यान रखे। इसी प्रकार से कोस्टल रेगुलेशन जोन भी हमने 2019 में इम्प्लीमेंट किया है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सके हमारे कोस्टल एरियाज को। तो हमने एक मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमिटीज भी बना रखी है जो कि एग्जामिन करती है, एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है ना, एक परमानेंट बॉडी भी बना रखी है, एक अप्रेजल कमिटी भी बना रखी है। तो ऐसे काफ़ी सारी कमिटीज और काम तो बना रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि स्टेट लेवल की जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, ओके, वो साथ में काम नहीं कर पा रही है सेंटर के। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर अप्रूवल नहीं लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेसीज देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि आप रिपोर्ट में बताए गए। जैसे कि तमिलनाडु के पास में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है ताकि वो गल्फ ऑफ मन्नार को सेव कर सके, गोवा के पास में दोस्तों कोरल रीफ को बचाने का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, गुजरात के अंदर पेट्रो ये फिजियोकेमिकल पैरामीटर जो सॉइल और वाटर के हैं गल्फ ऑफ कच्छ में है ना, उनको कोई यूज़ नहीं किया गया, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है ना। सी पेट्रोलिंग गहिरमत सेंचुरी के अंदर उड़ीसा में हुई नहीं है। तो ये सारे के सारे कंसर्न्स है जो कि कैग के रिपोर्ट के अंदर रिसेंटली बताए गए हैं और ये पार्लियामेंट के सामने रखी गई है ताकि हम लोग इसको बेहतर कर सके। आगे बात करते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक मैडम ने ना क्या किया, एक पेटिशन दायर कर दी दिल्ली हाईकोर्ट में, ये बोला कि एक पर्सन है मेरा दोस्त है जो कि बाहर जा रहा है विदेश में, उसको रोको। कोर्ट बोली भाई क्यों रोके, जा रहा है तो जाने दो, घूमने दो। वो महिला बोली अरे भाई वो यूथनेशिया लेने जा रहा है, वो इच्छा मृत्यु के लिए जो है वो विदेश में जा रहा है क्योंकि वहां पर वो इच्छा मृत्यु है जो कि ले सके, अगर वो ले लेगा तो उसके परिवार वाले दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, तो उसको रोका जाए। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, वो जो पर्सन था ना वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित था 2014 से, बहुत ही परेशान हो गया था, बहुत ही सीरियस डिजीज है, आपके नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी सबको जो है वो इम्पैक्ट करता है, समझ गए। इसको माइलर्जिक और एनसेफलो माइलिटिसिस भी कहते हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हार्मोन का इम्बेलेंस होना, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये देखने को मिलता है, कोई से भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। अब ये सिंड्रोम में क्या होता है कि आप एक्टिविटीज कुछ भी नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी एकदम बीमार वाली हो जाती है ना, कुछ नहीं कर पाते आप एकदम, समझ रहे हो, फिजिकल और मेंटल स्टेट जो है वो आपका बहुत ही माइनर लेवल जितना हो जाता है, मतलब आप ब्रश कर पा रहे हो बस, आप दो कदम चल पा रहे हो, इतनी बुरी हालत है जो कि हो जाती है, बॉडी पेन करने लगती है। अभी तक जो है इसका कोई साइंटिफिक टेस्ट जो है वो डिजीज के नहीं है, ना ही कोई इसकी कोई वैक्सीनेशन है, बस टेस्ट करके और थोड़ा बहुत ध्यान रखिए सिम्टम्स को, पेशेंट को थोड़ा रेस्ट देकर इसको बचाने की कोशिश करी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के अंदर बॉडी में मल्टीपल इफेक्ट्स है जो कि देखने को मिलते हैं। यूथनेशिया जो है वो चाह रहा था क्योंकि यूथनेशिया से पेशेंट अपनी जिंदगी को एंड कर सकता है, दुनिया के कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये अलाउ है ना, नहीं फॉरेन कंट्रीज में कई सारे नीदरलैंड बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अलाउ कर रखा है कि अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हो तो कर लो सुसाइड। बस प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर लोगों को पता है कि वो कौन से लोग जो है मेडिकली इतने ज्यादा बुरे हैं, बुरे कंडीशन में, जिनको यूथनेशिया दिया जा सकता है ना, वहां पर हर कोई डिमांड नहीं करता। अपने यहाँ पे तो ऐसा है कि भाई इतनी भगदड़ है, हर आदमी परेशान है, वो बोलेगा भाई मुझे भी दे दो, ठीक है, वो एक बोलेगा भाई मैं घर वालों से परेशान, एक गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई बोलेगा मैं बीवी से परेशान हूँ, बोला नहीं नहीं हमें तो आज दे दो यूथनेशिया, कोई बोलेगा नौकरी लग रही है। हमारे कंट्री की में एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत है, मतलब यार वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हम लोग ऐसे वक्त से गुजरते हुए हैं जब हमारे पास में दो वक्त के खाना भी नहीं था देश के पास में आज़ादी के टाइम पे, 70-75 सालों के अंदर हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता अब इस लेवल पे पहुंचा है कि ठीक है थोड़ा बहुत। तो एक डेवलपिंग कंट्रीज में क्या अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है ना, जो कि आपको डेवलप कंट्री में नहीं देखने को मिलती है।
तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर यूथनेशिया अलाउ कर दिया तो हरा तीसरा आदमी पहुंच जाएगा कि भैया मुझे भी, मेरा 4 साल से पेपर नहीं निकल रहा है, मुझे भी भेज दो, मुझे भी कर दो। एक अग्निवीर आ रहा है, देखो मैं 4 साल की ड्यूटी करा, अब मेरा पेपर नहीं निकल रहा, अग्निवीर भी परेशान है 2 साल के बाद में। तो हर कोई आदमी इस तरीके से, ठीक है चलिए। तो एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें एक डोज दिया जाता है। एक पिक्चर बनी थी इसके ऊपर, भंसाली की, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर थी गुजारिश। गुजारिश देखिएगा आप यार, बहुत ही खतरनाक पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। संजय लीला भंसाली और ऋतिक रोशन की पिक्चर है, ठीक है। उसी प्रकार से एक पैसिव यूथनेशिया होता है, जिसके अंदर आपका जो आर्टिफिशियल सपोर्ट होता है ना आपका, जो आप बेड के ऊपर सपोर्ट सिस्टम है, उसको हटा दिया जाता है और आदमी चले जाता है। एक होता है वॉलंटरली यूथनेशिया, इसमें पेशेंट बोलता है कंसर्न के साथ में, देखो जो करना है कर दो, मुझे ऊपर पहुंचा दो। एक होता है इनवॉलेंट्री, इसमें कोई कंसेंट भी नहीं होती है ना, ऐसा लगता है कि इसके जीने का कोई मतलब नहीं है, इसको कर दो, उसको सल्टा दो आज इसको, तो वाली बात है, ठीक है। तो हमारे देश में एक्चुअली पैसिव यूथनेशिया अलाउ हो चुका है, ये अलाउ है। अगर ये कोई मेडिकली प्रूव करते कि ये पर्सन सही नहीं हो सकता, है ना, तो 1994 में देखो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, जहाँ पे हमने इसको इलीगल प्रूव कर, इलीगल बोल दिया था। हमने बोला था कि भाई राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई नहीं होता, आपको राइट टू लाइफ मिल रहा है तो इसका मतलब ना राइट टू डाई भी आपका पार्ट हो गया। तो 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों अरुणा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, जहाँ पे पैसिव यूथनेशिया, है ना, इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में देने के लिए बोल दिया गया, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है जो कि कोर्ट करेगा। तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी दोस्तों एक फंडामेंटल राइट है जो कि मान लिया गया और पैसिव यूथनेशिया कंट्री में अलाउ कर दिया गया, लेकिन आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, है ना। आप बोलो नहीं नहीं देखो मेरे जो गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई मुझे तो आज ही दे दो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, है ना। कई बार ये होता है कि कॉलेज में होते थे तो लड़के लड़की नहीं नहीं मैं तो मर रही हूँ आज, मैं तो मर रहा हूँ आज, अच्छा किस तुमने उसके साथ में पैचअप कर लिया, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, बॉयफ्रेंड किसी और के साथ में चला गया, वो तो आज ही रात को, मैं तो फोन पे बस, मैं तो आज ही जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो जरूरी है, पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड इन द कंट्री बट इन स्पेशल केसेस। चलो एडवांस टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ATAGS के बारे में, ATAGS, ठीक है। हमने क्या किया, एक होविट्जर है ना, तोपे है जो कि हमने इंडिजिनियसली डेवलप करी और हमने अभी रेड फोर्ट के ऊपर जो है उसका जो है डेमो भी किया, तो इसको बोलते हैं ATAGS, एडवांस टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ATAGS का एक इंडिजीनियस 155 mm x 52 कैलिबर होविट्जर गन है और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, DRDO के द्वारा डेवलप करी गई पुणे के अंदर। 2013 के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है गाइस। तो 155 mm का एम्युनेशन है जो कि होल्ड किया जा सकता है, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज है ये, और सारे इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ में इसको एडवांस कर रखा है। बढ़िया इसके फीचर्स है, रॉक के ऊपर मोबिलिटी, क्विकली इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, तो काफ़ी बेहतर इसके सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, ठीक है गाइस। इससे पहले अपकमिंग डेज में जो हमारे पुराने वाले थे ना ओवर्ड्स, उसको हम लोग ATAGS और धनुष के साथ में सक्सेसफुली रिप्लेस कर रहे हैं। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है दोस्तों, यात्री सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए। INS सतपुरा 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव सैन डियागो तक दोस्तों ये पहुँच गया है, 75 लैप है जो कि इसने लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम, उत्सव फिक्स डिपॉजिट FD को दोस्तों प्रमोट करने के लिए। आपको मालूम है FD की हालत बहुत ही खराब है, कहाँ पर पहले ये 8-9% के आसपास हुआ करती थी, अब ये 6% के आसपास है जो कि आ गई है। चलिए कोलकाता होस्ट करेगा 23वां एडिशन इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का, ध्यान रखिए। IAS पीयूष गोयल को नेट ग्रिड CEO बनाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, IAS पीयूष गोयल को, ध्यान रखिएगा। वोकैबुलरीज की बात करें, एड्रेस का मतलब है फेथफुल सपोर्ट, है ना, एड्रेस मतलब सपोर्ट देना। सरप्टिशियसली का मतलब जो बहुत ही सीक्रेटली काम करता है। लेविटेशन का मतलब है राइजिंग, राइज होना। फटीक का मतलब है बहुत एग्जॉस्ट होना। होबल का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्ट होके चलना। इसके अलावा फन फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको मालूम है कि वाटर बॉटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, प्लास्टिक की बॉटल्स। तो साइंटिस्ट ने दोस्तों एक पता नया तरीका निकाला पानी को स्टोर करके पीने का, उन्होंने एक बबल बनाया, वाटर बबल, ओयो इसका नाम है। इसमें पता क्या होगा, वाटर बबल के अंदर आप इसको मुंह में रखो और ये माउथ में जाते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपके पूरे के पूरे वाटर है जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एक वाटर बॉटल की तरह दोस्तों काम करता है,
ठीक है, तो ये वाटर बॉटल से दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचाने के लिए इन्वेंट किया गया। क्लास 24 की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के आप रेलवे के टेस्ट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस लगाना बहुत ही जरूरी है अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो ग्रुप डी के ऊपर जाइएगा, यहाँ पे आप बाय नाउ के ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे बाय नाउ पे करके है ना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25% आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पे, तो 25% RK2 25 है जो कि यहाँ पे लगा दीजिएगा और टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करिएगा। 50 टेस्ट बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस आज का पहला सवाल है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए एक प्रावधान है, तो कौन सा प्रावधान है जो कि इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है जो कि है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को लेकर। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक गॉड अपनी क्लास जो कि मोबाइल फोन के इंटरनेट से हो गई ओके थैंक गॉड, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।